और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। आखिरकार जिस फिल्म का इंतजार भोजपुरी दर्शक काफी लंबे समय से कर रहे थे, फाइनली एक बार फिर से उस फिल्म के लिए एक और बुरी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भोजपुरी फिल्मों के स्टार रितेश पांडे और रानी चटर्जी अभिनीत भोजपुरी मूवी रानी बीट्स राजा के बारे में। दरअसल आपको बता दें कि रानी बीट्स राजा की रिलीज डेट 12 जुलाई से बिहार और झारखंड के बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शित होने वाला था, लेकिन कुछ टेक्निकल कारण से फिल्म के रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। यानी कि 12 जुलाई से बिहार और झारखंड के बॉक्स ऑफिस पर रानी बीट्स राजा का जलवा नहीं देखने को मिलेगा, जिससे भोजपुरी दर्शकों में काफी ज्यादा निराश देखी जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि इस फिल्म का इंतजार भोजपुरी दर्शक काफी लंबे समय से कर रहे थे, फाइनली एक बार फिर से इस फिल्म के लिए दर्शकों को थोड़ा और इंतजार करना होगा। आपको बता दें कि फिल्म का ट्रेलर बहुत दिन पहले ही जारी कर दिया गया था। जी हां, फिल्म का ट्रेलर बीप म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जारी किया गया है, जिसमें रानी चटर्जी का जोरदार अभिनय भोजपुरी दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। तो वहीं पहली बार रितेश पांडे के साथ रानी चटर्जी का जोरदार रोमांटिक तड़का आइटम सॉन्ग दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है फिल्म के ट्रेलर में। अब देखना यही होगा कि रानी बीट्स राजा का नया रिलीज डेट कब अनाउंस किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट की खबर माने तो फिल्म के रिलीज डेट अगस्त में जारी किया जा सकता है, यानी कि एक बार फिर से इस फिल्म के लिए इंतजार दर्शकों को थोड़ा और करना होगा।